हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोमेरा। दोस्तों, बहुत सारे बैंक उनके क्रेडिट कार्ड यूजर को गलत फीस चार्ज कर देते हैं कुछ सर्विस के लिए, पर जबकि उन सर्विस के बारे में आरबीआई का प्रॉपर गाइडलाइन है। तो आज हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, तीन मेजर प्रॉब्लम के बारे में, और हम जानेंगे कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आपके जो पैसा है वो वापस ले सकते हो। दोस्तों, जब बात आती है क्रेडिट कार्ड कस्टमर को पेनल्टी लगाने का, तो लगभग सारे बैंक 100% आरबीआई गाइडलाइन मान के काम नहीं करता। अगर आपको कोई बैंक ने गलत फीस चार्ज कर दिया है और आप कंप्लेन करते हो उस बैंक को, और अगर आपका कंप्लेन वैलिड होता है तो लगभग 99% चांस है कि आपको बैंक पैसा वापस दे देगा। पर अगर आप कंप्लेन नहीं करते तो आपके पैसे तो गए। तो इसीलिए रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग तीन ऐसे ही प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली हम लोगों को हर दिन देखने को मिलता है। नंबर वन है क्रेडिट कार्ड के कैशबैक और रिफंड रिलेटेड इशू। दोस्तों, आरबीआई का एक रूल है कि अगर आपका बिल जनरेशन के बाद ड्यू डेट के पहले अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कोई रिफंड या फिर कैशबैक आता है तो वो सेम बिल में एडजस्ट हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें 10,000 रुपीज का बिल बना है। ड्यू डेट के पहले आपको 5,000 रुपीज का एक रिफंड आता है और आपको एक कैशबैक आता है 1,000 रुपीज का। तो टोटल 6,000 रुपीज आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हुआ है ड्यू डेट के पहले, तो आपका रिमेनिंग ड्यू होता है 4,000 रुपीज। तो इस केस में आपको ड्यू डेट के पहले 4,000 रुपीज पे करना है बैंक को, ना कि 10,000 रुपीज। पर कुछ बैंक इसको मानते ही नहीं। कुछ बैंक का कहना यह है कि आपको 10,000 रुपीज ही पे करना होगा। बिल जनरेशन के बाद जो कैशबैक या फिर रिफंड आएगा वो आपके नेक्स्ट बिल में एडजस्ट होगा, पर यह सच नहीं है। आरबीआई का जो लास्ट मास्टर गाइडलाइन आया था क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन है। और ये जो गाइडलाइन है वो आपको टीएफ कम्युनिटी पे देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है आपको बैंक को कंप्लेन करना चाहिए, नो डाउट आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। नंबर टू, टोटल ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाने का प्रॉब्लम। सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें 10,000 रुपीज का बिल बना है। ड्यू डेट के पहले आपने 8,000 रुपीज बैंक को पे कर दिया, 2,000 आपने पे नहीं किया, वो ड्यू डेट के बाद भी ड्यू रहा। तो इस केस में बैंक आपको ड्यू डेट के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा, मतलब इस केस में 2,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगा सकता है, उसके ऊपर बेस करके आपको लेट पेमेंट फीस भी लगा सकता है। पर बहुत सारे बैंक क्या करते हैं कि जो टोटल ड्यू अमाउंट था आपका 10,000 रुपीज, आपने 8,000 पे कर दिया, फिर भी वो लोग 10,000 रुपीज के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, 10,000 रुपीज के बेस पे आपको लेट पेमेंट फीस लगा देते हैं। पर ये रूल बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके जो टोटल ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा, आपका जो रिमेनिंग ड्यू अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक आपको चार्ज कर सकता है। आरबीआई का क्लियर गाइडलाइन इसके रिगार्डिंग भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, गाइडलाइन आपको आपके सामने नजर आ जाएगा। नंबर थ्री, 3 डेज का ग्रेस पीरियड रूल। दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है या फिर लोन का रीपेमेंट है, आपका जो ड्यू डेट है उसके बाद भी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप उस 3 दिन में भी बिल पेमेंट कर देते हो या फिर लोन का रीपेमेंट कर देते हो तो वो ऑन टाइम पेमेंट माना जाएगा, बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट या फिर लेट पेमेंट फीस नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें 10,000 रुपीज का बिल बना है और उसका ड्यू डेट है 2 फरवरी या फिर 2 मार्च, मतलब 2 तारीख का ड्यू डेट है। पर अगर आप 2 तारीख बिल पेमेंट नहीं करते हो, आपके पास और 3 दिन होगा, मतलब 5 तारीख तक का आपके पास टाइम रहेगा। अगर 5 तारीख के अंदर आप आपके ड्यू अमाउंट पे कर देते हो तो आपको कोई भी बैंक लेट पेमेंट फीस या फिर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, उसको ऑन टाइम पेमेंट माना जाएगा। आरबीआई का इसके रिगार्डिंग भी क्लियर गाइडलाइन है, पर बहुत सारे बैंक ऐसा नहीं करते हैं। ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद ही इमीडिएटली बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट
चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इस केस में जो कि है दो तारीख क्रॉस होने के बाद आपको इंटरेस्ट चार्ज बैंक करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होता है, पहले तो आपको आपके बैंक को ईमेल करके कंप्लेन करना चाहिए कि आरबीआई का ऐसा गाइडलाइन है, आपने ये जो फीस लगाया है वो गलत है, आप इस फीस को वापस दीजिए और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे करके आपको एक ईमेल करना होगा। बैंक जनरली क्या करते हैं कि ऐसे ईमेल के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं, आपको जो पैसा चार्ज किया है उन्होंने गलत वो आपको वापस दे देते हैं। पर कोई बैंक अगर आपको कंप्लेन करने के बाद भी पैसा वापस नहीं देता है, उस केस में आपको 30 डेज का वेट करना है, उसके बाद आरबीआई बैंकिंग एंबर्समेंट में आपको कंप्लेन फाइल कर देना है। आरबीआई के कंप्लेन के बाद बैंक आपका प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व कर देगा, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।